दोस्तों चेन्नई को बनाने थे 203 रन और इसके बाद इस बल्लेबाज ने पलट दिया पूरा मैच। जी हां दोस्तों, आईपीएल का 37वां मैच चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच जयपुर में खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। और दोस्तों जब इसके बाद राजस्थान अपनी पारी की शुरुआत करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही कमाल की रही थी, क्योंकि दोस्तों इस मैच में जायसवाल काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और वो हर गेंद पे एक के बाद एक चौके जड़ रहे थे, जिससे राजस्थान का स्कोर इस मैच में काफी तेजी से आगे भाग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ खड़े जॉस बटलर इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों एक तरफ जायसवाल का बल्ला इस मैच में आग उगल रहा था और इसके बाद उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केवल 26 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। लेकिन इसके बाद 86 रन के स्कोर पर राजस्थान को पहला झटका जडेजा ने देकर जॉस बटलर को आउट कर दिया और बटलर 21 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां दोस्तों पहला विकेट गिरने के बाद इसके बाद राजस्थान के बाद एक विकेट गिरने लग गए थे, क्योंकि दोस्तों इसके बाद तुषार देश पांडे ने 14वें ओवर में राजस्थान को एक ही ओवर में दो झटके देकर संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल को आउट कर दिया था। यहाँ कप्तान सैमसन 17 रन बनाकर आउट हुए थे, तो जायसवाल ने 43 गेंदों में 77 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद 146 रन के स्कोर पर महेश टिक्सेना ने शिमरन हिडमायर को क्लीन बोल्ड मार दिया था और दोस्तों हिडमायर 8 रन बनाकर आउट हुए थे। जहाँ दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम आराम से 200 रन के पार पहुंचेगी, लेकिन दोस्तों उनके एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से इस मैच में चेन्नई की पूरी तरह वापसी हो गई थी। लेकिन दोस्तों जब इसके बाद बल्लेबाजी करने ध्रुव जरेल उतरे तो उन्होंने इस मैच में चेन्नई के गेंदबाजों का एक बार फिर से धागा खोल दिया, क्योंकि दोस्तों इसके बाद उन्होंने काफी आक्रामक बल्लेबाजी करी और उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से ही राजस्थान का स्कोर 200 रन के पार पहुंच पाया है। हालांकि इसके बाद आखिरी ओवर में धोनी की शानदार फील्डिंग की वजह से ध्रुव जरेल रन आउट हो गए थे, लेकिन तब तक उन्होंने केवल 15 गेंदों में 34 रनों की शानदार पारी खेल ली थी। और दोस्तों इसके बाद पाडिकल 13 गेंदों में 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और दोस्तों राजस्थान की टीम ने 202 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। जहां इस मैच में चेन्नई की तरफ से तुषार देश पांडे को 2 विकेट हाथ लगी थी, तो जडेजा और टिक्सेना ने एक एक विकेट लिया था। तो दोस्तों अब चेन्नई को ये मुकाबला जीतने के लिए पूरे 203 रन बनाने थे। और जब चेन्नई टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में बेहद ही खराब रही, जहां पहले डेविन कॉनवे केवल 8 रन बनाकर जेम्पा की गेंद का शिकार बने, तो एक तरफ शानदार बैटिंग कर रहे ऋतुराज भी एडम जेम्पा का शिकार बने थे और ऋतुराज ने 29 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेली थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद 73 रन के स्कोर पर राजस्थान को बैक टू बैक दो बड़े झटके अश्विन ने देकर अचिंक्य रहाणे और रायडू को आउट कर दिया था। जहां रहाणे 15 रन बनाकर आउट हुए थे तो रायडू अपना खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन इसके बाद शिवम दुबे और मोइन अली इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग करके चेन्नई को बड़ी जीत दिलवा देंगे। लेकिन तभी 124 रन के स्कोर पर एडम जेम्पा ने अपनी घातक गेंदबाजी से मोइन अली को आउट कर दिया और मोइन अली 23 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन एक तरफ इस मैच में दुबे का बल्ला आग उगल रहा था और वो एक के बाद एक छक्के जड़े जा रहे थे, और इसके बाद शिवम दुबे ने 29 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे। लेकिन इसके बाद चेन्नई को आखिरी ओवर में 37 रन बनाने थे और दोस्तों चेन्नई की टीम केवल 170 रन बना पाई और इस वजह से ये मुकाबला राजस्थान ने 32 रनों से जीत लिया है। जहां आखिरी गेंद पर दुबे 52 रन बनाकर आउट हो गए थे, तो जडेजा इस मैच में 23 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस मैच में राजस्थान की तरफ से एडम जेम्पा को 3 विकेट हाथ लगी थी, तो अश्विन ने 2 विकेट चटकाए थे।